उत्तर प्रदेश प्रयागराज बहरिया थाना अंतर्गत सातनपुर में दबंगों द्वारा हरे पेड़ की कटाई। आपको बता दें कि बहरिया थाना अंतर्गत ग्राम सभा सातनपुर नन्हेलाल पटेल व काशीराम पटेल के बीच में लगभग 4 सालों से जिस जमीन का मुकदमा सिविल न्यायालय में विचाराधीन है, उक्त जमीन पर न्यायालय द्वारा आस्थागन आदेश पारित किया गया है, लेकिन नन्हेलाल बसु भास चंद्र पटेल के द्वारा दबंगे के दम पर उक्त जमीन पर स्थित जामुन का पेड़ था। पहले हमारी बात सुनिए। हाँ बोलिए, बोलिए बात सुनिए। हाँ बोलिए, जो बोलना बोलते रहिए। जिसको दबंगों ने फॉरेस्ट जंगल विभाग से भी नहीं डरे और पेड़ की कटाई करते रहे। प्रार्थी काशीराम पटेल ने पुलिस को सूचना दिया तो पुलिस मौके पर आई। पुलिस को रोकने पर उक्त लोग भाग गए और मिलाकर उक्त पेड़ को दबंगई के दम पर काट लिए और कहते हैं कि क्या करेगी कोर्ट व पुलिस प्रशासन। उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़, सुप्रीम पावर न्यूज ब्यूरो चीफ रमा शंकर पटेल की रिपोर्ट। 4 साल के पहले मुकदमा चलता है। आप जमीन है उसके बाद जो है कि पेड़ काटे गए, पेड़ काटे लागे, पेड़ काटे लागे हम जामुन का हम रोके गए, मारे धमकी गए। उसके बाद पुलिस आए साहब, आप पुलिस के जवान आए तो उन्होंने नहीं करने साहब काट पेड़ काट गिराए दे साहब। अभी यह साहब हमारे को सुनवाई नहीं, अगर जिंदा बोली साहब मारे की धमकी दे तो जान से मारे क्या। कोर्ट में फैसला चल रहा साहब, कोर्ट में चलते बाटे दीवानी स्टे बाटे, दीवानी स्टे बाटे तब भी जबरदस्ती करता है साहब। अब कैसे करी कैसे नहीं करी, हम गरीब आदमी कैसे करी कैसे नहीं करी, कौन वो निर्णय नहीं हो साहब हमारे कैसे करब कैसे ना करब। अब ऐसा धमकी दे दी तो का जिंदा बोलवा जान से मार जाओ, और हमरे एक लड़के दो लड़के मरबो भयन है।